नमस्ते वैएसआर प्रजा साक्षी न्यूज़ की स्वागतम मा चैनल नी सब्सक्राइब चेयकपोते सब्सक्राइब चेयंडी ई वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडी। 11वीं बरसी मनाने के रस्ते हम लोग यहां पर जमा हुए हैं। 11 साल बीत गए हैं राष्ट्रगढ़ी साहब को गुजर के, लेकिन लगता नहीं है कि 11 साल हुए हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में आज भी राष्ट्रगढ़ी साहब जिंदा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने गरीब से लेकर अमीर तक हर वो तबके के लोगों को अपनी स्कीमों से वाबस्ता किया था। हर वो काम उन्होंने किया है जो लोगों को फ़ायदा हुआ है। इतने काम हैं कि हम बता भी नहीं सकते। जैसे आपके सामने यहाँ मिसाल है, 2000 मकान यहाँ दिए गए हैं राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी। ऐसे मकानों के साथ साथ 20 री इन्वेस्टमेंट, पेंशन और किसानों की माफ़ी जो पूरे देश भर में 60,000 करोड़ रुपये हुई थी, तो आंध्र प्रदेश में 12,000 करोड़ की माफ़ी की थी उन्होंने। ऐसे कारनामे करने वाले राष्ट्रगढ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं भी है, तो उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनकी स्कीम हमारे साथ है। पिछले 6 साल से KCR साहब ने उनके बराबर काम करने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। सिर्फ पेंशन, शादी मुबारक, ऐसे दो कामों में लोगों को उलझन में रखे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम जो स्कीमें पहले लिए थे, उन स्कीमों के लिए हमें इनसे भी डिमांड करना चाहिए। जो आज एक प्लॉट भी देने में नाकाम हुए हैं। KCR साहब सिर्फ वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। राष्ट्रगढ़ी साहब के हूबहू चलने के लिए जगनमोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश में आज एक बीमारी जो कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए हर इकदाम जगनमोहन रेड्डी साहब कर रहे हैं, लेकिन KCR साहब उसमें कोई भी इकदाम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें हर चीज़ के लिए डिमांड करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमें लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हर वो काम होगा। हमारा एक छोटे गली के लीडर से लेके MLA हो या MP हो या चीफ मिनिस्टर हो, उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे काम होना मुमकिन है। वरना जिस तरह आज तांडू की हालत है, हर वो एरिया में अगर हम हैदराबाद जाना है तो वो ब्रिज टूटा, ये रोड ख़राब हुई, ये मामले से गुजर रहे हैं। एक हॉस्पिटल की सहूलत नहीं है। अब हम पिछले 25 साल से जो लीडर हमारे लिए काम नहीं करा, वो लीडर की जय करेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने लिए, अपने तांडू के लिए, अपने स्टेट के लिए लड़ें। उसके लिए हम हमारे जो हक है वो हासिल करें। इसके लिए हमें हमारे महान नेता वाइस राष्ट्रगढ़ी साहब के आइडियल पर चलने चाहिए और उसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाइएसआर अमर है।